रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक हंगामेदार रही। सभा में 30 प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान विपक्ष हंगामा करता रहा, साथ ही कार्यवाही का भी बहिष्कार कर दिया गया। पारित प्रस्ताव में ज्यादातर नाम परिवर्तन और नामकरण के हैं। निगम व्हाइट हाउस की जगह अब महात्मा गांधी भवन के नाम से जाना जाएगा। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जो प्रस्ताव लाए गए हैं वो जनहित में न होकर पार्टी हित में थे, ऐसे विकास से मुद्दे ही गायब हैं। कार्यवाही को लेकर सभापति से बातचीत की है सत्या राजपूत ने। हमारे साथ अध्यक्ष महोदय प्रमोद दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, एक साल हो गए यहाँ पे निगम में सरकार बने, लेकिन यहाँ पे अभी तक आम सभा क्यों नहीं होती सामान्य सभा? देखिए, कोविड-19 के प्रकोप से न केवल देश प्रदेश बल्कि समूचा शहर और रायपुर शहर को रेड जोन घोषित किया गया था। हमने इससे पहले भी प्रयास किया था तो सभी दल के लोगों की बैठक भी बुलाई थी, उसके बाद तिथि भी निर्धारित हो गई थी, लेकिन उसके तत्काल बाद कोविड को लेकर लगभग हमारे 25 से ज़्यादा पार्षद हमारे इस पर पॉजिटिव भी आए थे, तो इन सबको जान है तो जहान है। तक आयोजन है, कितने प्रस्ताव लाए गए हैं और कितने पास हो चुके हैं? लगभग 30 प्रस्ताव लाए गए हैं, उसमें से 28 प्रस्ताव लगभग पास हो चुके हैं। और क्योंकि जनहित के प्रस्ताव पर विरोध करना, उसमें आप सुझाव दीजिए। ज्यादातर प्रस्ताव नामकरण को लेकर है या नाम चेंज करने को लेकर? 28 30 में से लगभग 23 ऐसा मामले हैं। हाँ, लगभग 15-17 प्रकरण हैं, बाकी जो नगर विकास से संबंधित एजेंडा है वो भी हैं। पिछली सामान्य सभा में भी कुछ प्रस्ताव गिरा दिए गए थे जब विपक्ष बहुमत में था, तो लेकिन वो भी आवश्यक है। शहर में अगर नगर निगम है तो सड़क नाली बिजली पानी के अलावा महापुरुषों के नाम से, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से अगर नामकरण होता है, ये गर्व की बात होती है। नामकरण विकास के सूचक होते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। अगर कहीं कोई महापुरुष है और उसने स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे जी हैं, पद्मश्री प्राप्त हैं, पूरे देश में उनका नाम है, रायपुर का नाम उनके कारण कहीं ना कहीं रोशन हुआ है। तो इस तरह देखा जाए तो इस बार का जो सामान्य सभा में जो प्रस्ताव आए हैं उसमें लगभग नामकरण और नाम बदलने का ही प्रस्ताव है। कैमरामैन चोरा राम के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।